आज नीमच नगर पालिका में उस समय हंगामा हो गया जब बजरंग दल और बीएचपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए नगर पालिका के सीएमओ सीपी राय का पुतला नगर पालिका के मुख्य दरवाजे पर फूंका। दरअसल वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान, धन संचय अभियान को लेकर किए जा रहे प्रयासों को लेकर शहर में पोस्टर लगाए गए थे, जिन्हें नगर पालिका के द्वारा हटा दिया गया और इससे हिंदू समाज अपमानित महसूस कर रहा है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द नगर पालिका के सीएमओ को बर्खास्त किया जाए, साथ ही दोषी कर्मचारियों पर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि 3 दिन में कार्रवाई नहीं की जाती है तो वीएचपी और बजरंग दल इसको लेकर आंदोलन करेगा। पिछले 2 दिनों से राम जन्मभूमि तीर्थ के जो फ्लेक्स बैनर लगे हुए थे वो नगर पालिका ने हटा दिए। वहाँ तक ठीक था, लेकिन उसको फाड़ कर उसको इतनी बुरी स्थिति में डाल दिया है, जिसे सीधे सीधे हमारे हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। सीधे सीधे धार्मिक तौर पे ये हमारे ऊपर एक तरह से उनका जो कह सकते हैं अपन की उनकी ऐसा निर्णय उनका जो सीधा सीधा सारे समाज को आहत करता है। ठीक है, अभी यहाँ सब लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने वाले हैं और उसमें हमारे केवल इतना स्पष्ट है कि सीधे सीधे तत्काल प्रभाव से जो यहाँ के सीएमओ हैं उनको निलंबित किया जाए और जिन अधिकारियों के माध्यम से ये सब काम हुआ है उनको भी निलंबित करें। 3 दिवस के भीतर जो फ्लेक्स बैनर जो हटाए थे राम भगवान राम के, उनको वापस लगाया जाए। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग उसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, नगर बंद रखेंगे और उसकी सारी शांति भंग की जो सारी जिम्मेदारी वो प्रशासन की होगी। इतना ही, नीमच नगर पालिका के सीएमओ साहब द्वारा कल पूरे नीमच शहर से जो पोस्टर बैनर लगे थे वो उतारे गए, उसमें भगवान राम के जो भगवान राम का भव्य अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसको लेकर भी भगवान राम के जो पोस्टर लगे थे वहाँ भी उनके द्वारा हटाए गए और हटाकर यहाँ जो नगर पालिका के पीछे जहाँ खुला मैदान है जहाँ कई कर्मचारी पीछे पेशाब करते हैं वहाँ पर राम जी के पोस्टर फेंके गए रखे गए, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कलेक्टर साहब से मांग की है कि सीएमओ साहब या संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए जिन्होंने अपराध किया है। कम से कम भगवान राम के पोस्टर तो उनको पीछे नहीं रखने चाहिए थे और रखने भी थे तो सम्मान के साथ साइड में रखने थे। जो अपमान किया गया धर्म का, हिंदू धर्म का, राम जी का, जहाँ पूरा समाज पूरा एक एक हिंदू परिवार भगवान राम के मंदिर को बनाने में भव्य बनाने में लगा हुआ है तन मन धन से और जिस रामधुन निकल रही है रोज राम जी के कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी कड़ी में सीएमओ द्वारा यह ऐसा कृत्य किया गया तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। माननीय शिवराज सिंह जी करें, माननीय कलेक्टर साहब करें, लेकिन सीएमओ और नीचे के कर्मचारी जिन्होंने कराए उनके खिलाफ़ यह कार्रवाई होनी चाहिए।